और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका टीवी पैनल कम क्रॉकरी कम बार, जैसे भी आप इसको कहना चाहें। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाहर से बहुत से लोग आते थे, उस धीरे धीरे वो सोना ले जाते थे, और आखिरी वक्त जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुआ करते थे, वो जाते आते हमें पेपर मनी दे गए और हम कहीं ना कहीं अपने असली एसेट्स गोल्ड और प्रॉपर्टी को भूलने लगे और उसकी जगह हम पेपर की तरफ भागने लगे। आज जो समय है वो डिजिटल मनी का आ रहा है और उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में अगेन वो गोल्ड और प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, जो हज़ार साल पहले भी हुआ करते थे, वैसे आज भी यही हैं। तो इन्हीं में से एक एसेट मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, जो आने वाली पुश्तें आपको पूरा यूज़ करने वाली हैं। तो ठीक आपके सामने है आपका अपना घर, चूँकि 123 गज के अंदर है, मैं इसे 5 मरले का घर भी कह सकता हूँ। और मैं गुरविंदर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टी पर, जहाँ पर आप अपने घर बनाते हैं। सो इस घर को भी आज अपना आप बनाने वाले हैं। तो डबल स्टोरी घर है, जहाँ पे मोमटी आपको मिलेगी, एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, मॉडर्न लुक्स के साथ आपको मिलने वाला है। कई सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा हौच पौच ना कर कर सिंपल और एक शानदार लुक्स जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बिल्कुल टॉप पर अगर आप देखेंगे तो एंगल्स के साथ आपको एक अलग लुक आपको मिलने वाली है, जहाँ पर आप पॉटी भी करने वाले हैं उसके साथ आपको मोमटी मिल जाएगी, जिसके बाहर जो है ग्लास लुक्स आपको बहुत प्यारी मिलने वाली है। ठीक जब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ नज़र देते हैं, आपको लाइट शेड्स ही सारे मिलने वाले हैं, हल्का सा टाइल वर्क मिलेगा, प्लास्टर के अंदर शेड मिलने वाले हैं, और उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा, जहां पर आपको फ्रंट सारा का सारा टाइल के साथ कवर मिलने वाला, और फ्रंट को और खूबसूरत बनाने के लिए और सिक्योर बनाने के लिए एक बड़ा हैवी आयरन गेट, जिसके साथ आयरन फेंस भी आपको मिलने वाली है। और घर की एक खासियत और आपकी रहने वाली है कि एक गाड़ी आपके बाहर खड़ी होगी और एक बड़ी गाड़ी आपके अंदर आने वाली है। तो दो गाड़ियां आजकल तकरीबन हम सबके पास होती हैं, अगर नहीं भी होती तो हो जाने वाली हैं, तो दूसरी गाड़ी भी आपके आने वाली ही होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी जगह आपको मिल जाएगी। घर आपका गेटेड सोसाइटी में रहने वाला है, सेक्टर 123 मोहाली, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के पास, और आपके घर से जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस रहने वाला है वो महज 20 मिनट का रहेगा, एयरपोर्ट रोड का सिर्फ 150 मीटर का। सो आप बिल्कुल तकरीबन एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही हैं। सो हम अभी आ चुके हैं आपकी पार्किंग में, जहाँ पर आपकी एक लग्जरी कार आपकी आने वाली है, और ठीक दूसरी तरफ जहाँ पे आपका जो है टू व्हीलर आपके आने वाले हैं। इसके अलावा आपको टैप्स की जगह मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपनी मोटर फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है गाड़ी को धोने के लिए भी यहाँ से आपका होने वाला है, जो कि दूसरी तरफ आपको मिल जाएंगे। सो एक खूबसूरत फ्रंट के साथ एक शानदार चीज़ आपको पूरी मिलने वाली है। जैसे अभी आपने विंडो को देखा, हमने पूरे घर के अंदर जो विंडोज़ हैं उनको यहाँ पे वुडन की जगह UPVC करते हैं, जो सालों साल चलती हैं, और ये टफन ग्लास के साथ है, तो साउंड प्रूफ भी होती है। उभरता हुआ एरिया है, डेवलपिंग एरिया है, तो कई बार होता है कि अड़ोस पड़ोस कहीं पे काम चल रहा तो आपको घर के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये UPVC विंडोज़ है जो कि साउंड प्रूफ है। इनके नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा ग्रेनाइट मिलेगा, फ्रंट पूरा का पूरा आपका टाइल के साथ कवर किया गया है, बिल्कुल लुक एक डिफरेंट आपको मिल जाती है। लैंप्स के साथ आपको जो है शाम का समा भी शानदार आपको नज़र आने वाला है। और थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं आपके इस स्टेयर्स वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे स्टेयर्स आपको जिगजैग डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाती है, मतलब कि नीचे जिगजैग है आपका, और उसके नीचे आपको स्टोरेज मिलेगी, जहाँ पे आपका पावर बैकअप है या फिर सिलेंडर है, बहुत आराम से आने वाला है, इसलिए मैंने जाली के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। तो एक स्टेप ऊपर हम पहुँचते हैं आपके मेन डोर के पास, ग्रेनाइट का कलर बहुत प्यारा आपको मिलता है, साथ ही आपको जो है वुडन डोर जो कि शानदार लुक्स के साथ मिलने वाला है, और इस डोर के ऊपर ना आप देखेंगे गोल्डन स्ट्रिप्स आपको नज़र आने वाली हैं, जो बिल्कुल एक अलग फील आपको यहाँ पर देती हैं। तो हर अगर अपने घर के अंदर ना ये चीज़ें हो तो मज़ा कुछ अलग ही आने लगता है। और ठीक यहाँ पर आपका आ जाएगा वायर मैश डोर, जहाँ पर आपको ग्रिल्स भी मिलेंगी, डबल वायर है, और एक हैवी डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है, लुक्स है, क्वालिटी है, हर चीज़ आपको मिलती है। सो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हम पहुंचते हैं अंदर की तरफ, और अंदर का माहौल हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो स्पेस है वो वाकई बड़ी प्यारी है। हमारा वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है वो 20 फिट का आपका रहने वाला, और जो विड्थ रहेगी यहाँ पर तकरीबन 11.25 की रहने वाली है। और इसमें खास चीज़ एक ये रहने वाली है, आपकी जो छत है, ये रूफ आप सीलिंग जो है आपकी, ये तकरीबन 11 फिट की हाइट पर रखी गई है। सो आपको एक अच्छा मज़ा आए जब आप अपने रूम के अंदर बैठे, और थोड़ी सी छत की हाइट बढ़ाने से ना, जो गर्मियों में कई बार होता है तपस होती है या फिर थोड़ा सी गर्मी फील होती है, आपको ह्यूमस फील होती है, वो बहुत कम यहाँ पर फील होती है। और हमने इस छत के ऊपर ना आप देखेंगे स्ट्रिप लाइट के साथ एक डिज़ाइन दिया है, प्लस कंसील लैंप्स आपको मिलने वाले हैं। सो जैसा भी आप झूमर लगाएंगे यहाँ पर या फिर फ़ैन लगाएंगे, इसकी फीलिंग आपको बिल्कुल अलग आने वाली है।
और हमने जो यहाँ पर वॉलपेपर है बिल्कुल लाइट शेड के अंदर रखा है, क्योंकि हम जानते हैं आजकल जो सोफ़ा है वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के चलने लगे हैं, तो आपको जैसा भी सूटेबल लगेगा ना वो इसके साथ ज़रूर सूट करने वाला है। और कुछ अगर आप नीचे टाइल का लुक्स देखेंगे वो भी बिल्कुल एक एवन लुक्स के साथ आपको मिलने वाली है, फाइन फिनिशिंग आपको यहाँ पर मिलती है और एक अच्छी लुक जो होती है ना एग्जैक्टली आपका जैसा भी फर्नीचर होगा उसके साथ आए कैरियन फोन होने वाली है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका टीवी पैनल कम क्रॉकरी कम बार, जैसे भी आप इसको कहना चाहें। तो हमने सबसे पहले ना साइड पे दो आपको ये लगेंगे ब्लैक शेड्स आपको दे दिए ग्लास के साथ, जिसके बीच में आपको स्पेस मिल जाएगी जहाँ पर इजीली आप अपनी अगर क्रॉकरी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और काउंटर आपका जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक अलग लुक्स के साथ, हल्का सा आपको जो है मार्बल वाली लुक जो होती है टाइल वाली लुक आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये आपका सारा सनमाइका और ठीक यहाँ पर जो है आपका एक फाइन टोन आपको मिलेगी। सो अगर आप बड़ा टीवी भी आप लगाएंगे ना यहाँ पर तो बहुत अच्छा आपका लगने वाला है। उसके नीचे स्टोरेज हमने यहाँ पर पूरी दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि घर के अंदर ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि स्टोरेज। हमारा बहुत सारा सामान होता है जो इधर उधर पड़ा होता है, तकरीबन हम डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देते हैं या फिर जो ड्राइंग एरिया का टेबल होता है उसके ऊपर रख देते हैं, वो जहाँ पर गेस्ट ने बैठना होता है वहाँ पर हमारा सामान पड़ा होता है, तो वो जैसे आते हैं फटाफट उठा के अंदर रखते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे स्टोरेज बना दी है, सो आपको कोई भी सामान जो है वहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसके थोड़ा सा रुख इस तरफ करेंगे तो आपको एक बड़ी प्यारी सी किचन मिलने वाली है, जो कि वाकई बड़े प्यारे लुक्स के साथ आपको मिलने वाली है। देखते ही ना इसको समझ आया था कि हर चीज़ एक अच्छे एंगल के हिसाब से डिज़ाइन की है। अपने पास जो लेंथ है यहाँ पे आपकी अराउंड 10 से ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है, और जो विड्थ है वो आपकी 8 फिट की रहेगी। और इसको एल शेप में बनाया है, एल शेप के अंदर आप देखेंगे जो आपका काउंटर है वो आपका मरून कलर के अंदर आपको मिल जाता है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी मिलने वाली है पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक डबल सिंक आपको इसके अंदर मिलता है। रोटेशनल टैप्स आपके रहेंगे जो कि जैगवार की तरफ है, और ठीक इसके ऊपर देखेंगे आपको अगेन टफन ग्लास ही मिलेगा, वायर मैश के साथ आपको मिलने वाला है। लुक आपको पूरी यहाँ पर मिलती है, और ठीक यहाँ पर आपके यूटेंसिल्स के लिए जगह आपको मिल जाएगी जो कि ग्लास के अंदर है। ऊपर लाइट है सो प्रॉपर आपको हाईलाइट होकर नज़र आते रहेंगे क्या चीज़ है कहाँ पर पड़ी है। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही आपको जो है पूरी प्रॉपर स्टोरेज स्पेस आपको मिलने वाली है, डबल है। आप देखिए जगह आपको काफ़ी है, इजीली आपकी बॉटल जो है वो भी यहाँ पर पूरी आने वाली है, या फिर जार भी जैसे होंगे वो भी पूरे आने वाले हैं। टैप रखा आपके नोजल है आपकी गैस के लिए, साथ में आपको टाइल आपको मिल जाएगी जो इजीली क्लीन होने वाला कलर आपका रखा हुआ है। टास्क लैंप आपको नीचे मिलने वाले हैं, तो कंप्लीट किचन की फीलिंग तो यहीं से आने लगती है। इसके अलावा खास चीज़ आपको नीचे मिल जाएगी जो आपका ड्रॉर्स आपको मिल जाएंगे, तो हर साइज़ के हिसाब से इन ड्रॉर्स को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और सारे के सारे ये सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। और साइड पे भी जो है हमने आपके जो है ड्रॉर्स को पूरा यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। सो जैसा भी सामान होगा आपका वो पूरा प्रॉपर अंदर आने वाला है। तो एक कंप्लीट किचन है जहाँ पे 2 या 3 लोग भी खड़े हों बहुत आराम से काम कर सकते हैं बिना किसी को परेशान किए, और पार्टी वाले एरिया में भी ना ये किचन आपके वाकई बहुत साथ देने वाली है। सो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस किचन से आपके बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में भी ना जब हम एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले 8-8 फिट के दरवाजे आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी शाही लुक्स के साथ आपको मिलते हैं। आपको ना देख हमने इस घर के अंदर वो बहुत ज़्यादा चमकीला काम नहीं किया, हमने यहाँ पर जो जितनी चीज़ें वो सिंपल और सॉबर हिसाब से डिज़ाइन की हैं, सो आपको घर वाली फीलिंग ज़्यादा आए। तो अंदर आने के बाद ना आपको जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र आने वाली है वो है आपकी स्पेस। तो 5 मरले के घर के अंदर हमने जो यहाँ पे बेडरूम के साइज़ निकाले हैं वो 14.5 के तकरीबन पास आपको मिल जाता है। सो 6.5x6 का बेड भी अगर आप लगाते हैं तो बहुत बेफिक्र होकर आप यहाँ पर इंजॉय करने वाले हैं अपने इस बेडरूम की स्पेस को, क्योंकि आपका जो जगह है वो 14.5 फिट के अंदर आपकी, अगर मैं बात करूँ तो इस अलमीरा की 2 फिट की अलमीरा आपकी आ जाती है, उसके बाद भी आपके पास जो जगह है यहाँ पर बचती है वो काफ़ी अच्छी खासी बच जाती है, क्योंकि 6 फिट की आ जाती है तो 12 फिट की आपकी जो स्पेस है वो आपकी यूजेबल स्पेस है। उसके अंदर आपके पास यहाँ पर सामने की तरफ टीवी पैनल मिल जाता है। टीवी पैनल को हमने बहुत बड़ा नहीं बनाया ये आपका, क्योंकि 10.5-11 के आसपास आपका ये रूम साइज़ इस तरफ आ जाता है, क्योंकि अगर इसे हम ज़्यादा बड़ा बनाते तो शायद आपको बेड के आसपास चलना फिरना शायद मुश्किल होता, तो हमें बिल्कुल उस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। इसके बाद वार्डरोब आपको बिल्कुल हमने सीलिंग की हाइट तक रखी है, साइडर्स के साथ रखा है इसको हमने, और प्रॉपर आपकी हर चीज़ यहाँ पर आई इस चीज़ का पूरा ध्यान हमने रखा है। सो दूसरी तरफ भी आपको कुछ ऐसा ही डिज़ाइन मिलेगा जहाँ पर आपकी हर चीज़ पूरे प्रॉपर वे के साथ आने वाली है। और जहाँ पर आपका बेड आएगा वहाँ पर आपको एक लाइट शेड के साथ वॉलपेपर मिल जाएगा,
जो कि एक बड़ी प्यारी सी फील आपको यहाँ पर देता है। और हमने इस रूम में ना आपके लिए जो ये लुकिंग मिरर है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया है कि आपके जो बेड है उसके साइड पे लगेगा और बेड से उठते हुए भी आपको परेशान नहीं करेगा और ये किसी भी तरीके से आपको रूम की जो स्पेस है उसको ख़राब नहीं करेगा। वॉल माउंट है, ड्रॉअर आपको यहाँ पर मिल जाता है और ये स्पेस भी इधर आ जाती है और एक कॉर्नर में अपनी जगह लेने के बाद भी आपकी रूम की जो स्पेस है उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता। और हमने इस बेडरूम के साथ आपका एक वॉशरूम रहेगा जो कि अटैच है और एक बड़ी अच्छी फीलिंग के साथ आपको मिलने वाला है। और ख़ास चीज़ मैं बता दूँ, एक तो जो लाइट शेड्स आपको यहाँ मिलते हैं सीलिंग की हाइट तक जो कलर्स हैं वो बहुत प्यारे आपको मिलते हैं, लैंप आपको ऊपर यहीं पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर सैनिटरी मिलती है वो एक बड़े बिल्कुल अलग लेयर से मिलती है। नीचे स्टोरेज आपके पास रहने वाली है, जैगवार की फिटिंग्स हैं और ये डिज़ाइनर फिटिंग्स रहने वाली है। इसके बाद जो आपका ये मिरर है ये भी एक अलग लुक के साथ आपको मिलने वाला है। तो फील आप हर रोज़ एक अलग चीज़ की यहाँ पर लेने वाले हैं। छोटी सी स्टोरेज हमने यहाँ पर बनाई है जिसकी फील बिल्कुल अलग आती है और यहाँ पर आपकी अगेन टफन विंडोज़ ही हमने यहाँ पर लगाई है। थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होता है लेकिन लाइफ लॉन्ग है, आप इसको हमेशा इंजॉय करने वाले हैं। तो ठीक, यहाँ पर आपको जो है टैप के साथ शॉवर मिल जाएगा, रेन शॉवर का मज़ा आप पूरा लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके पास जो है आपकी सीट आपको मिल जाएगी वो, क्योंकि वॉल हैंगिंग है प्लस इसके बैक पे एक थोड़ा सा टोन आपको अलग मिलेगा। तो एक कंप्लीट वॉशरूम का जब मज़ा होता है वो आप यहाँ पर लेने वाले हैं बिल्कुल अलग वे से। और यहाँ से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो आपको अगेन विंडो एक मिल जाएगी, साथ में आपका डोर। तो आपके पास यहाँ पे वॉशिंग एरिया काफ़ी बड़ा मिलने वाला, लाइट और वेंटिलेशन का पूरा आपको यहाँ पर रहने वाला है। एक इंजॉयबल स्पेस जो होती है अपने घर के अंदर वो पूरी रहेगी, सालों साल आप इस चीज़ को ना इंजॉय करने वाले हैं। सो इस रूम से हम थोड़ा सा बाहर आएंगे और इसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। और यहाँ भी ना एक चीज़ बताऊँ आपको कि सबसे पहले जो आपका ध्यान जाएगा, सबसे पहले चीज़ जाती है आपकी बेडरूम के रूम जो डोर्स हैं वो चाहे अंदर के हों या बाहर के हों, सारे के सारे 8 फीट की हाइट है। एक ना अच्छी फीलिंग आपको मिल जाती है जब आपके पास हर रूम का जो है दरवाज़ा या हर घर का हर दरवाज़ा 8-8 फीट का हो। और उसके बाद अगर हर रूम में स्पेस आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर हम घर लेते हैं कोई फ्लैट है, शॉप है या फिर कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहला अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो स्पेस रखती है, क्योंकि इंजॉयबल स्पेस कितनी है, मूवेबल स्पेस कितनी है हमारे पास। तो ठीक, यहाँ पर आ जाएगा आपके वार्डरोब जो कि सीलिंग की हाइट तक रहने वाले हैं। और सीलिंग पर अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी एक अच्छा खासा एंजॉयमेंट वाला जो स्पेस होता है, सॉरी आपका जो डिज़ाइन है वो आपको पूरा मिल जाएगा स्ट्रिप्स के साथ। और जो सामने की तरफ हमने आपका टीवी पैनल डिज़ाइन किया है वो सेम सिमिलर टू आपका जो है वार्डरोब, उसी को यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है। और इसके साथ आपके आ जाते हैं वॉलपेपर, हल्का सा कलर आपको हल्का सा चेंज लगेगा लेकिन चीज़ आपको बिल्कुल वैसे ही मिलने वाली है, शेड्स आपके लाइट हैं। तो इस रूम में ना आप वाकई एक अच्छी, जैसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स जिसे कहते हैं ना, वो आपको पूरी एग्जैक्टली यहाँ पर आने वाली है। मिरर आपको इस तरफ मिल जाएगा ड्रेसिंग के, और इसके साथ आपका वॉशरूम जो रहेगा वो आपको अटैच मिल जाएगा। थोड़े से चेंजेस आपको टाइल्स के अंदर मिल जाएंगे, लुक आपको चेंज कर दिया यहाँ पर लेकिन फीलिंग वैसी ही बरकरार आपकी रहने वाली है। तो हम दोनों ही बेडरूम्स के साथ आपको दे रहे हैं यहाँ पर विंडो, और हर रूम के अंदर आपको जो है स्प्लिट एसीज की जगह आपको मिल जाएगी। सो दैट हमने सिंपली अपने एसीज को लाना है और लगाना है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, पाइप्स ऑलरेडी डली हुई हैं तो इंजॉयबल वाली स्पेस है। सो दोस्तों, ये था हमारा नीचे का 2 बेडरूम हॉल किचन जो कि एक बिल्कुल अलग वे के साथ डिज़ाइन किया है। तो बाहर निकलते हैं, इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश रहने वाली है कि अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम और आप हमेशा मिलते रहें और ऐसी खूबसूरत चीज़ों का मज़ा पूरा लेते रहें। और साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे अलग पोर्टल्स पर, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या फिर स्नैपचैट है, सेम बास्टक प्रॉपर्टी आपको हर जगह मिल जाएगा। सो पहुँच चुके अपने वहाँ स्टेज की तरफ जहाँ पर आपको जो है साइड पर पिलर मिलेगा, जहाँ पर वुडन और स्टेनलेस स्टील की पूरी लुक आपको मिलने वाली है, साथ में डायमंड एक अच्छी फील आपको दे देगा। और स्टेयर्स आपको यहाँ पर मरून कलर के साथ मिलने वाली है जो कि आपके डोर्स के साथ भी मैच करेगा हल्का फुल्का और आपके किचन के काउंटर्स के साथ भी। सो ऊपर के फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिलने वाली हैं, जैसे कि आपके पास जो है कॉरिडोर आपको अच्छा मिल जाएगा। कॉरिडोर के बाद अगर हम इस तरफ आएंगे
तो आपके पास जो यार बालकोनी की स्पेस है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी। और ये डिज़ाइन जो हम नीचे से देख लेते हैं स्ट्रिप लुक्स के साथ, आपको लैंप्स यहाँ पर लगे हुए हैं प्लस बड़ी सी विंडो है, तो एक अलग ही लुक आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये नीचे की तरफ हमारे पास सारी जगह आपको मिल जाएगी जो कि अलग ही आपको फील देती है। वहीं जब हम इस तरफ देखते हैं नीचे से, तो ये बड़ी सी विंडो का मज़ा आपको पूरा आता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक अलग फील देती हैं आपके अपने घर के अंदर। तो ठीक, यहाँ पर आपका ऊपर का फ्लोर, चलिए ऊपर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों, हमने जो है यहाँ पर आपके लिए दो चीज़ें कॉमन रखी हैं। सबसे पहला है कि आपके पास वेंटिलेशन है, लाइट है, बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपने नीचे देखा था, बिल्कुल एंजॉयबल स्पेस। और सेकंड, आपके पास जो साइज़ है तकरीबन वैसे ही हो जैसे आपने नीचे देखा था, हमने यहाँ पे कमी नहीं किया। और घर को आप मान लीजिए कि हमने जो कवर्ड एरियाज़ का निकालते हैं तो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपका कवर्ड यहाँ पर निकल आता है। तो इस 5 मरले के घर के अंदर पूरा कंस्ट्रक्ट हमने किया, और जितनी भी आउटर वॉल्स हैं उन सबको हमने 9 इंच का रखा है। इंटरनल वॉल्स को ही हमने सिर्फ जो है यहाँ पे आधा रखा है, यहाँ पे 4.5 इंच का, अदरवाइज सारी आपको जो 9-9 इंच की मिलने वाली है। शानदार सीलिंग डिज़ाइन है, खूबसूरत सा वॉलपेपर आपको साइड पे मिलने वाला जो कि 3D लुक्स के साथ है, और वैसा ही प्यारा सा एक आपका टीवी पैनल आपको मिल जाएगा। और इन सबसे खूबसूरत चीज़ आपको जो यहाँ पर मिलने वाली है आपकी किचन, जिसे वाकई आप सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं यहाँ पर, जिसके कलर्स हो, लुक्स हो, या फिर कुछ भी कह दें, ये वाकई बहुत प्यारी है। और हर बेडरूम में आपके पास वैसी ही जगह आपको पूरी प्रॉपर मिलने वाली है, शानदार आपके वॉलपेपर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा वार्डरोब्स आपको यहाँ भी सीलिंग की हाइट तक मिलने वाली है, सिर्फ कलर्स के अंदर हल्का फुल्का चेंज आपको यहाँ मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें पूरी और प्रॉपर यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपके सीलिंग पर भी वैसा ही डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, स्ट्रिप लाइट है, कंसील लैंप है, और एक अच्छी फिनिशिंग आपको मिल जाती है। बेड के ठीक सामने आपका जो है टीवी पैनल आपको मिल जाता है सिमिलर साइज़ के साथ, ताकि आपके बेड की स्पेस ख़राब ना हो, आपके मोबाइल स्पेस ना ख़राब हो। और ठीक यहाँ पर आपका जो रहेगा वॉशरूम अटैच रहने वाला है, हमने हर बेडरूम के साथ एक वॉशरूम को अटैच किया सो दैट आप रहते हुए अपने इंजॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम ना पाए। सो पीछे अगेन आपके पास बालकनी यहाँ पर मिल जाएगी, तो इस ड्राइंग एरिया को दोबारा निहारते हुए आप पहुँचेंगे अपने घर के सेकंड बेडरूम में, या फिर इस फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। तो अगेन आपके पास जो है सनलाइट यहाँ से पूरी आते हुए आप इस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं। आप देखिए, एक चीज़ का जो मज़ा होता है ना वो आपको यहाँ पूरा मिलता है। खासकर पंजाब में एक चीज़ सबसे अच्छी कॉमन है कि आप हर घर के अंदर ना सनलाइट का पूरा मज़ा लेते हो, और एक ताज़ी हवा का मज़ा पूरा लेते हैं। अगर आप सिटी के साथ हैं, अगेन आप सिटी के बिल्कुल करीब हैं और कोई चीज़ आपके घर से दूर नहीं है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो स्कूल्स हैं, या फिर वो हॉस्पिटल्स हैं, या गुरुद्वारा साहब है, मंदिर है, कोई भी चीज़ है, वो तकरीबन आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने घर से जाना चाहते हैं IT पार्क मोहाली, तो विद इन 10 मिनट्स आप पहुँच जाते हैं। कुछ इतना ही डिस्टेंस रहता है आपका अगर आप चंडीगढ़ की तरफ रुख करते हैं, और एयरपोर्ट विद इन 20 मिनट्स। हर चीज़ आपके घर के आसपास ही है, कहीं आप जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक ऐसा एरिया जहाँ पे एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलती है, और ये उनसे पूछेंगे ना अगर जिन्होंने यहाँ पर तकरीबन 1-2 साल पहले भी घर लिया था, या अगर आप इजीली पुरानी वीडियोस भी हमारी निकाल के देखते, तो आपको ये समझ आता है कि एप्रिसिएशन यहाँ पर बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाली है। रीज़न बींग कि IT पार्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, और जो रोड्स हैं उनका डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है कि आपको कभी भी कहीं पर भी जाने के लिए घंटों तक कतार में ना लगना पड़े, जैसे अलग कई मेट्रो सिटीज़ के अंदर यहाँ पर हो रहा है। सो इसी चीज़ को डिज़ाइन देखते हुए इस सिटी को डिज़ाइन किया गया है। सो दोस्तों, हमने डबल स्टोरी घर को अपने देख लिया है, 4 बेडरूम 2 हॉल 2 किचन्स का हमने पूरा मज़ा लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्टी एरिया वाली तरफ, या फिर अपने मॉन्टी की तरफ पहले। सो ऊपर आपके पास पूरी लाइट वेंटिलेशन के साथ मॉन्टी एरिया मिल जाएगा, तो इस दरवाजे को ओपन करते हैं। सो इस ओपन रूफ का आप पूरा मज़ा लेने वाले हैं। सो खासकर इस एरिया का जहाँ पे आप तकरीबन पार्टीज़ अपनी करने वाले हैं, अपने ही घर में सारी पार्टीज़ आपकी होने वाली हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको आज की अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक और खूबसूरत और प्यारे से घर के साथ, आपकी उम्मीदों के हिसाब से। तब तक के लिए सत श्री अकाल।